अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। यहाँ हम आपको दिखाएंगे ताज़ा तरीन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्राइम और शोबिज की खबरें। एक नज़र हेडलाइंस पर। भरकर डीपीओ शाइस्ता नदीम का दरियाए पुलिस चौकी का दौरा। दरियाए सिंध ने मुतवक्का सैलाब के खदशात के पेश नज़र हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। दरिया के अंदर मोटर बोट के जरिए गश्त के शेड्यूल को भी चेक किया। सियालकोट मूसलाधार बारिश के बाद घनसारपुर नाला पर कायम पुल बह गया, जिसके नतीजे में घनसारपुर का जमीनी रास्ता सियालकोट से मुनकता हो गया। रास्ता मुनकता होने से शहरियों को परेशानी का सामना। गुजरांवाला बोर्ड में टॉप करने वाले पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज के अलावा बच्चों और उनके वालदैन ने भी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि एक बेटी को तालीम देना गोया नस्लों को तालीम देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान की मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमिर महमूद के आनी से मुलाकात। मुलाकात में मियांवाली में दरपेश मसाइल और उनके हल और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।